उत्तर प्रदेश के लखनऊ से है, जहां वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने लोकसभा चुनाव के संकल्प पत्र को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि चुनाव से पहले सभी पार्टियां घोषणा पत्र जारी करती हैं, भारतीय जनता पार्टी उसको संकल्प के रूप में जारी करती है और उसको पूरा करती है। लोकसभा 2024 के संकल्प पत्र के लिए बीजेपी लोगों के सुझाव ले रही है। सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान को लेकर संकल्प पत्र तैयार किया जाएगा। संकल्प पत्र के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, जिससे सुझाव लिए जा रहे हैं। कार्यक्रम जो हो चुके हैं, इसमें से 7 मार्च को अमरोहा में श्री मुख्तार अब्बास नकवी जिसमें मुख्य अतिथि थे, 9 मार्च को अम्बेडकर नगर श्री पंकज चौधरी जहां मुख्य अतिथि थे, 10 मार्च को नगीना बेबी रानी मौर्या जी माननीय मंत्री इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई, 11 मार्च को गाजीपुर में अनिल राजभर जी रह चुके हैं मुख्य अतिथि के रूप में जो हमारे माननीय मंत्री हैं, 10 मार्च को प्रदेश कार्यालय लखनऊ में माननीय हृदयनारायण दीक्षित जी जो विधानसभा के माननीय अध्यक्ष रहे वो मुख्य अतिथि थे, उन्होंने कार्यक्रम विशेष रूप से संबोधित किया था। 12 मार्च अर्थात आज कैराना में जो कार्यक्रम हो रहा है, माननीय अलका गुर्जर उसमें विशेष रूप से मुख्य अतिथि हैं। आज कौशाम्बी में भी एक कार्यक्रम हो रहा है, आदरणीय श्री दिनेश शर्मा जी उसमें आज मुख्य अतिथि हैं, घोसी विवेक ठाकुर जी उसमें मुख्य अतिथि हैं, घोसी हो रहा है 12 मार्च को, और 12 को जौनपुर श्री दयाशंकर मिश्रा दयालु जी मुख्य अतिथि होंगे। 14 तारीख को हमारे इस अभियान के माननीय प्रमुख आदरणीय श्री सूर्य प्रताप शाही जी जो माननीय कृषि मंत्री जी हैं हमारे साथ में भी हैं, तो हमारे हमसे बात अपनी बात कहेंगे, उनको उनका कार्यक्रम मुजफ्फरनगर लगा हुआ, वो मुजफ्फरनगर में इसी प्रकार से विशेष रूप को संबोधित करेंगे इसी उद्देश्य से। ये कार्यक्रम पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं द्वारा किए जा रहे हैं, खासतौर से पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठ जिले और विधानसभा स्तर पर कार्यक्रम कर रहे हैं, जिनमें भारी संख्या में सुझाव आ रहे हैं। कुल सभी जिलों में 250 कार्यक्रम, फर्स्ट फेज में 125, कुल मिलाकर 250 कार्यक्रम होंगे।